जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजायर न्यूज से। अभी हाल ही में कलकत्ता के अंदर फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन क्या बोले, ये एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर पूरा मीडिया आज चुप हो गया। ये वही अमिताभ बच्चन हैं कि जब कोरोना काल हुआ, मोदी जी ने कहा कि अपनी छत पे आपको थाली बजानी है, तो अमिताभ बच्चन अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां गए और उन्होंने वही थाली बजाई ताकि कोरोना हमारे देश से चला जाए। उनकी एक एक बात को किस तरीके से मीडिया हमेशा सुर्खियों में रखता है, लेकिन कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में ऐसा उन्होंने क्या कहा, आइए आज हम आपसे बात करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि फाइनली द 1952 सिनेमेटोग्राफ एक्ट सेट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरशिप एज इट स्टैंड्स टुडे अपहेल्ड बाय द फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. यही बात शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान खान ने कही होती तो उनका बहिष्कार भी शुरू हो सकता था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिंगोइस्टिक और हिस्टोरिकल, उन्होंने दो वर्ड यूज करे, जिंगोइस्टिक एंड हिस्टोरिकल, कि मूवीज आज के टाइम में ऐसी बन रही है, क्यों राष्ट्रवाद को खत्म करके और एक ऐसी मूवियां बनाई जा रही है कि जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, क्यों उन्होंने सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋतिक घटक का नाम लिया। अगर मैं बात करूं सत्यजीत रे की उन्होंने जो जिस हिसाब से कहा कि हमें ऐसे ऐसे महानुभावों के पास जाना चाहिए, सत्यजीत रे कि अगर आप फिल्म देखें, गण शत्रु एक ऐसी मूवी थी जो उन्होंने बनाई, ठीक है वो बंगाली में थी, लेकिन अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो किस तरीके से डॉक्टर अशोक एक रिसर्च करते हैं कि अगर बीमारी फैल रही थी गांव में तो वो बीमारी किस वजह से फैल रही थी, वो वहां तक पहुंचे तो पता चला कि मंदिर में जो जल चढ़ाया जा रहा था उसके अंदर कीटाणु थे, कंटेमिनेटेड वाटर था, लेकिन आस्था से जुड़ा हुआ था। किस तरीके से उन्होंने धार्मिक भावनाओं के रहते रहते उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी। अगर सत्यजीत रे की ये मूवी गण शत्रु आज के टाइम में आती तो वो भी किसी कंट्रोवर्सी से बच नहीं सकते थे। आज छोटी छोटी बातों के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इतने बड़े टॉपिक के ऊपर अमिताभ बच्चन बोले, उन्होंने फिल्म सेंसर बोर्ड का भी कहा, उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टरों को याद किया और उन्होंने बताया कि कैसे सिनेमा कहाँ जा रहा है। अगर उनकी इन सब बातों को देखें तो आपको याद होगा कि 2002 में जब गुजरात के अंदर दंगे हुए, उसके बाद से गुजरात की इमेज को ऊपर लाने में अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वो हमेशा वहां के ब्रांड एम्बेसडर रहे, हमेशा प्रमोट करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक वर्ड बहुत ही दिल को धक्का देता है, एनिमी ऑफ द पीपल, फ्रेंड्स ऑफ द पीपल। गुजरात का चुनाव लड़ा गया तो मेधा पाटकर, जो हमेशा एनवायरमेंट के लिए लड़ती रही, सिर्फ उसी को मुद्दा बनाया। एक दफा आमिर खान ने गलती से उनका सपोर्ट कर दिया था, उसके बाद भले ही चाहे उन्होंने मोदी जी के साथ फोटो क्लिक करा ली हो, लेकिन वो उससे भी नहीं बच पाए। उन्होंने अपनी एक पर्सनल चीज शेयर कर दी कि उनकी वाइफ को डर लगता है, इस मुद्दे को इतना बना दिया कि आने वाली उनकी कितनी मूवीज जो है उनका बायकॉट किया गया। The first time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. और अब अमिताभ बच्चन की स्पीच को हमको देख के लगता है कि किस तरीके से मीडिया एक तरीके से साइलेंटली बायकॉट कर रहा है।
अदरवाइज अमिताभ बच्चन ने भी वो कही है कि बोलने की आजादी हर इंसान को ये हक है कि वो एक आवाज बने। लेकिन आज कोई भी अगर मेधा पाटकर की मैं बात करूं या मैं नंदिता दास की बात करूं, नंदिता दास ने एक मूवी फिराक बनाई थी, उसको भी नहीं चलने दिया, बाद में एक अच्छा सा प्ले ले लिया कि भाई सिनेमा हॉल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या आवाज उठाना या देश के हित में बात करना मीडिया उनको भी नहीं दिखाएगा? अमिताभ बच्चन की सिर्फ छोटी छोटी क्लिप उन्होंने जो है वो दिखाई है, वो भी किसी किसी चैनल ने, जबकि उन्होंने कितनी बड़ी बात करी है। अगर वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे महान डायरेक्टर के पास जाना चाहिए, और ये जो जिंगोस्टिक और हिस्टोरिकल हम मूवीज आज के टाइम में बना रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। सेंसर बोर्ड, आजादी से पहले के सेंसर बोर्ड को देख लीजिए और आजादी के बाद के सेंसर बोर्ड को देख लीजिए कि कहां पे हैं, आप अपनी आवाज कहां पे उठा सकते हो। आज हम सिर्फ रंग के ऊपर आकर स्थिर हो गए हैं, संस्कारों की, एनवायरनमेंट की, देश के हित की, हिस्ट्री की, इन किसी भी चीजों को हम सामने नहीं लेकर आते। और अगर लेके कोई आता है तो फिर उसका वो हाल होता है कि जैसे हाथरस के पत्रकार का, अगर वो कुछ उजागर करना चाह रहा था, उड़ीसा के पत्रकार कुछ उजागर करना चाह रहे थे, तो उनकी जिंदगी किस तरीके से जेल में कटी या उनको किन किन यातनाओं का भार उठाना पड़ा, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर मैं रवीश कुमार की भी बात करूं तो रवीश कुमार ने भी कई अहम मुद्दे उठाए, चाहे एनवायरनमेंट का उठाया, हेल्थ का उठाया, किस तरीके से मुद्दे उठाए, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देखना पड़ा। सदी के महानायक की इतनी बड़ी न्यूज को कि उन्होंने बोलने की आजादी के ऊपर जो बोला है उसको किस तरीके से साइलेंट कर दिया गया है। वो हमेशा सत्ता पक्ष में रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ साथ अगर वो सत्ता पक्ष में नहीं होते तो उनकी इसी बात को आज कितना उछाला जाता। जबकि उन्होंने अगर गण शत्रु फिल्म के बारे में भी बताया, सत्यजीत रे के, मृणाल सेन के या ऋतिक घटक के बारे में भी उन्होंने जो बातें कही हैं, वो उस समय के इतने बेहतरीन डायरेक्टर थे कि अगर मैं आपको गण शत्रु, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उस मूवी को जरूर देखिए सत्यजीत रे की, उसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा धार्मिक भावनाओं को उजागर किया गया। अगर एक मंदिर का जल अगर दूषित है तो सिर्फ इसलिए कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उससे कितनी मौत हो रही है उसको कोई नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक ने जितना भी कहा, मैं उसका समर्थन इसलिए करता हूं कि वाकई आजादी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए, आपको अपनी बातें रखने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं है कि मीडिया सिर्फ शाहरुख खान की मूवी का पूरा दिन अपनी टीआरपी के लिए बेशर्म रंग गाने को उछालता रहा, लेकिन वहीं पे सदी के महानायक ने अगर कुछ कहा तो उस आवाज को दबा दिया गया। ये आने वाले समय में अगर मीडिया ने अपने रोल को नहीं सुधारा तो आने वाले वक्त के अंदर काफी चीजें चेंज हो जाएंगी और आजादी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों।